अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। बेटा, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके को हम कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका कहलाता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट हम कहते हैं अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या बने, एक स्केलर क्वांटिटी बने। मल्टीप्लाई वेक्टर्स हो रहे हैं और रिजल्ट क्या बन रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है। ऐसे वेक्टर्स के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेटा, हम इस जगह पर लिख लेते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड। जी बेटे, तो हमने इस जगह पर लिख लिया व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो एंड देयर रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और आंसर क्या बने, एक स्केलर क्वांटिटी बने। ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। बेटा, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन साइन इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान हम डॉट लगाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इस मल्टीप्लीकेशन को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। चूंकि मल्टीप्लीकेशन साइन डॉट है, किसके दरमियान, बिटवीन मल्टीप्लाइंग वैक्टर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। बेटा, डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं सिम्बॉलिकली लिखूं, तो डॉट प्रोडक्ट को मैं सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकता हूं? बेटा, मैं इस जगह पर लिखता हूं, सपोज कर लेते हैं दो वेक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो बेटा, मैथमेटिकली इट मेक वेक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर बी से, तो वेक्टर ए डॉट बी, बेटा ये बराबर होता है किस चीज़ के, ए बी कॉस थीटा। बेटा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी आप दो वेक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके क्या लगाएं, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और उनके दरमियान एंगल ले लें, उस एंगल का क्या ले लें, कोसाइन ले लें। बेटा, इस तरीके से मैं इस जगह पर लिख देता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, बेटा दिस वन इज वेक्टर ए और बेटा दिस वन इज वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं एंड एंगल बिटवीन देम मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है थीटा से। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर दी वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो बेटा, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कोसाइन थीटा के बराबर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो बेटा, ये बात याद रखें, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें कहा जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आप उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आप क्या मालूम कर लेंगे, थीटा मालूम कर लेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड्स को ले जाकर उन दोनों वेक्टर्स के साथ डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया बेटे, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कोसाइन थीटा के। बेटा, एक फार्मूला ये हो गया, इसके अलावा वेक्टर ए डॉट बी ये बराबर होता है किस चीज के, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। बेटा, ये क्या चीज है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर्स मे बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी अगर ए पहले है तो मैग्नीट्यूड किसका लेना है, ए का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। तो बेटा, दूसरे तरीके से, पहले तरीके से तो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, ए डॉट बी बराबर है ए बी कोसाइन थीटा। बेटा, दूसरा फार्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या है, आपने प्रोडक्ट लेना है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये नंबर्स वाला प्रोडक्ट है। आप वेक्टर्स को 2 × 2 = 4 ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए स्पेशल वेक्टर मेथड्स हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के स्पेशल वेक्टर मेथड्स कौन से हैं, स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरा डॉट वेक्टर प्रोडक्ट है। बेटा, स्केलर प्रोडक्ट में अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डॉट बी ले रहे हैं, तो हमने कहा कि वो किसके बराबर होगा, वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी सिंपल वाले प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके सिंपल वाले प्रोडक्ट के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर लिखा हुआ है उसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, फिर उसके बाद जो सेकेंड वेक्टर लिखा हुआ है उसका प्रोजेक्शन लो, लेकिन उसका प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में,
फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। बेटा इस चीज़ को मैं इस जगह पर देखता हूँ, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लेना होगा। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के, बेटा ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी ये वेक्टर ए है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जितनी इस एरो की लेंथ है, जितनी इस एरो की लेंथ है इतना क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बेटा सिमिलरली वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है मैंने। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किस तरफ लेना है? ए की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है? इसके ऊपर से मैं क्या डालूंगा बेटा, इसके ऊपर से मैं लाइट डालूंगा इस तरीके से कि बी का साया, बी का शेडो ए की डायरेक्शन में गिरे। तो बेटा बी का शेडो ए की डायरेक्शन में गिराना है तो एग्जैक्टली ऊपर से लाइट डालनी है, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे यहां पे इस तरीके से ये इस जगह तक, यानी यहां से लेकर यहां तक के, दिस इज व्हाट इट्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ए की डायरेक्शन में है ये कौन, बी, वेक्टर बी का क्या, वेक्टर बी का शेडो ए की डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो लेंथ होगी इसको मैं क्या कहूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के साथ मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ए डॉट बी मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी ए के। क्लियर हो गया बेटा? एक और चीज याद रखे, यानी जब भी कभी आपने प्रोजेक्शन मालूम करना है, लेट सपोज आपने बी ए मालूम करना है, तो बेटा बी ए बराबर होता है बी कोस थीटा। एक्चुअली आप क्या मालूम कर रहे हैं, आपको याद होगा आपने इस तरीके से एक एक्स एक्सिस लिया था मैट्रिक में, एक आपने इस तरीके से वाई एक्सिस लिया था। लेट सपोज दिस इज वेक्टर एफ, बेटा एफ के आप ये एंगल बना रहे थीटा एक्स एक्सिस के साथ। आप एफ के दो कंपोनेंट्स लिया करते थे, एक एक्स कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक के, दिस आप इसे कहते थे एफ एक्स, और एक आप वाई कंपोनेंट लिया करते थे यहां से लेकर यहां तक के, ये क्या हो गया बेटा एफ वाई हो गया। आप एफ एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे, एफ कोस थीटा। एफ वाई का फॉर्मूला क्या लिखा करते थे आप, एफ साइन थीटा। एक्चुअली अगर मैं कहूं कि एफ का प्रोजेक्शन एक्स की डायरेक्शन में, तो एफ का प्रोजेक्शन एक्स की डायरेक्शन में दिस इज एफ एक्स, एफ का प्रोजेक्शन वाई की डायरेक्शन में इट इज एफ वाई। तो बेटा अगर मुझे एफ का प्रोजेक्शन एक्स की डायरेक्शन में चाहिए, यानी जिसके साथ एंगल दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो उसको मैं क्या लिखता था, एफ कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं बी कहूं, बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, तो ये बी ए हुआ, जिस तरह ये एफ एक्स था एक्स की डायरेक्शन में एफ एक्स, बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में दिस इज बी ए। बेटा जिसके साथ एंगल दिया हुआ है उस एक्सिस में अगर रिजोल्व करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? और सपोज कर लेते हैं इसी तरीके से अगर मेरे पास सी ए होता तो वो बराबर हो जाता सी कोस थीटा के, सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, कोस थीटा। अगर बेटा मेरे पास डी बी होता, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ये बराबर हो जाता डी कोस थीटा। यानी ये जो प्रोजेक्शन है इसके साथ हमने क्या लिख देना है, कोस थीटा। ये जो नीचे लिखा हुआ है छोटा सा सुफिक्स में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बेटे? वेक्टर्स आर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इफ वेक्टर्स आर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म, यानी अगर वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए, किस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में, सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए जो है ये बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बेटा वेक्टर बी जो है ये बराबर है बी एक्स आई, क्योंकि एक्स के साथ आई कंपोनेंट होता है, प्लस बी वाई, वाई का यूनिट वेक्टर जे होता है, प्लस बी जेड के। यानी कि वेक्टर्स अगर ऐसे दिए हुए हैं तो बेटा ए डॉट बी, ए को डॉट प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर बी के साथ, तो बेटा ए डॉट बी ये बराबर हो जाएगा, आप यूनिट वेक्टर्स को रहने दें, आप सिंपली एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स बी एक्स प्लस वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ ए वाई बी वाई प्लस जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट के साथ ए जेड बी जेड।
चूंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर बनेगा, और अगर ये नंबर बनेगा तो यहाँ पे आई जे और के नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई जे और के वेक्टर्स में आता है। इधर आई जे और के आ रहा है इसलिए ये वेक्टर भी है, इधर आई जे और के आ रहा है इसलिए ये वेक्टर ए है, यहाँ आई जे और के नहीं आ रहा इसीलिए ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी एक स्केलर नंबर बनेगा। बेटा इससे आगे जो है हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट रियली अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो नंबर कैसे बन रहा है, स्केलर कैसे बन रहा है, इस चीज को यहां पर देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है, यानी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें और आंसर एक रिजल्ट बने। बेटा आपने आपने मैट्रिक में पढ़ी थी एग्जांपल कौन सी, कि f डॉट s किसके बराबर होता है 1 टर्म के, यानी व्हेन जो वर्क डन है वो बराबर होता है किस चीज के बराबर होता है बेटा, डब्ल्यू इट इज इक्वल टू वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी multiplied by displacement, it is also a vector quantity. When these two vector quantities are being multiplied, the result is a scalar quantity, which is work done. तो बेटा इसकी दूसरी example क्या हो जाती है बेटा? अगर मैं force और velocity को multiply करूँ, तो बेटा when force and velocity is multiplied, जब force और velocity को multiply किया गया, the result is scalar quantity. दोबारा result क्या था? Scalar quantity, which is जो कि क्या होता है बेटा? Which is power. तो बेटे मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ बेटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी के साथ। फोर्स को जब मैं वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो आंसर क्या आता है बेटा, पावर। एंड इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। सिमिलरली बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और बेटा वो क्या होती है, फ्लक्स, जो कि क्या होती है बेटा, फ्लक्स, यानी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसके साथ बेटा, वेक्टर एरिया के साथ। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है फ्लक्स। बेटा ये क्वांटिटी आपने पहले नहीं पढ़ रखी, ना फ्लक्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना वेक्टर एरिया, आप कैसे इसे याद रखोगे, सेकंड ईयर में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन दीस टू वेक्टर क्वांटिटीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये थर्ड एग्जांपल हो जाती है किसकी बेटा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। तो बेटा यहां तक के लेक्चर पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल केसेस के डॉट प्रोडक्ट कम मैक्सिमम आता है, कौन सी कंडीशन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर मैं यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है, इन चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।